सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माई चैनल अनिल लाल मिलाटर। दोस्तों आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कि एक सर्विसमैन है जो मेरे जो आर्मी पर्सन है या फिर जो भी यानी अदर जो भी पर्सन है, पेंशनर पर्सन है, वो अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियोज़ को देखिएगा एंड ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एंड अगर मेरे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लग रहे हों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। एंड और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में ऐसे आप लोगों के लिए लिख के आता रहूँगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के ऊपर। यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा सामने। आई थिंक आप लोगों को सही से नज़र आ रहा होगा सामने स्क्रीन, तो मैं आपको उसको जस्ट सामने से दिखा देता हूँ। जस्ट मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ सामने, तो आपको दिख रही होगी स्क्रीन। इस पर सारी जो है जो लिखी हुई है, द प्रीरिक्विजिशन फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, द पेंशनर मस्ट हैव आधार नंबर होना चाहिए, उसके पास एक्साइटिंग जो मोबाइल नंबर उसका रजिस्टर्ड है वो होना चाहिए, एंड उसके पास जो है वो आधार नंबर भी पेंशन की उसके बाद पोस्ट ऑफिस यानी कि उसके बैंक का जो रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके अकाउंट के साथ होना चाहिए। एंड यहाँ पर अभी हमें क्या चाहिए, एक और अगर मुझे अपना यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट अगर मुझे खुद अगर करना है तो उसके अगर खुद मुझे कुछ खुद ऑनलाइन करना है तो उसके लिए मुझे एक फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा कर्सर, यहाँ पर जो लिखा हुआ जो साइट है, यहाँ से हम जीवन प्रमाण पत्र का ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। देन आपको मैं डेमो के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली ये जब हम उस लैब को खोलेंगे तो फर्स्टली हमारे पास ऐसा क्या है सामने, ऐसा जो है लिंक नज़र आएगा सामने, जैसा हमारा फॉर्मेट है सामने हमें नज़र आएगा। उसमें हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है पहले, देन उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद मुझे जनरेट ओटीपी करना है। जैसे आपको मैं नज़दीक से और दिखा दूँ, शायद आप लोगों को अभी अच्छे से नज़र आ रहा होगा, तो आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस चीज़ का। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो ये मेरा ऑथेंटिकेशन है, जो ऑपरेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन है वो मुझे अपना नाम लिखना है एंड ईमेल आईडी, एंड यहाँ पर फिंगर स्कैन के ऊपर मुझे क्या प्रेस करना है। शायद मैं आपको और क्लोज दिखा दूँ थोड़ा, यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो लिखा हुआ वहाँ पर, ठीक है। देन मैंने ओके कर देना है। देन उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, जो जीवन प्रमाण पत्र है वो क्या डिवाइस जो होगा मेरा जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर डिवाइस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो उसको हमने ओके कर देना है। फिर देन उसके बाद मैंने क्या करना है, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा, है ना, जो मुझे ऑथेंटिकेशन जो जनरेट करना है मुझे लाइफ सर्टिफिकेट अपना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इसमें मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको मैं क्लोजली दिखा दूँ, और मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन आधार नंबर डालना है, और उसके बाद मैंने जनरेट ओटीपी कर देना है यहाँ से। और उसके बाद जैसे जनरेट ओटीपी करूँगा मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तो नेक्स्ट पेज मेरे पास ऐसे ओपन होगा, तो वहाँ पर ओटीपी जो आएगा वो यहाँ पर डाल के मैंने यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। देन मेरा जो ओटीपी डालना है वो करेक्ट डालना है। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऐसा पेज खुल जाएगा जो आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या भरना है मुझे, यहाँ पर देखिए आपको शायद क्लियरली नज़र आ रहा होगा सामने से, नेम ऑफ पेंशनर फर्स्टली कॉलम के अंदर, देन सेकेंडली में पीपीओ नंबर डालना है, फिर मैंने टाइप ऑफ पेंशन कौन सी टाइप ऑफ पेंशन है वो, फिर मेरा पेंशन अथॉरिटी कहाँ से है, इलाहाबाद है या जहाँ पर जिसका भी है, आर्मी का जो है वो इलाहाबाद वहाँ पीसीडीएस है, तो वो यहाँ पर भरना है मैंने। फिर डिसबर्सिंग एजेंसी है जो वो भी मुझे यहाँ पर इलाहाबाद ही भरनी है ना, उसके बाद एजेंसी का नाम यहाँ पर, उसके बाद अकाउंट नंबर जो है वो जो मेरा अकाउंट नंबर जिसमें पेंशन आती है वो यहाँ पर, उसके बाद नीचे मैंने ईमेल आईडी भर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर करना है क्या, यहाँ लिखा इज़ री एम्प्लॉय तो मुझे नो पे क्लिक करना है, एंड इज़ री मैरिड तो अगर मैरिड है तो यस पे, अगर मैरिड नहीं है, री मैरिड नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन। फिर मुझे क्या यहाँ पर क्या है, इसको मैंने अथॉरिटी को क्या है क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट को स्कैन करना है, स्कैन फिंगर करना है मैंने। फिर इसे स्कैन फिंगर करूँगा तो मेरी फिंगर जो है स्कैन हो जाएगी यहाँ पर ऐसे आ जाएगा मेरे पास, है ना, जो मैं आपको दिखा रहा था, आई हैव नो ऑब्जेक्शन डिस्प्लेइंग डिटेल्स रिलेटेड माई पेंशन अकाउंट ऑन द वेबसाइट। तो ये हमको प्रॉपरली इसको टिक करना है, उसके बाद मैंने स्कैन फिंगर के ऊपर के प्रेस करना है। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे पेज आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा थैंक यू फॉर सक्सेसफुली रजिस्टरिंग फॉर ए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ योर प्रमाण पत्र की आईडी, आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ जूम करके, शायद आपको ये नंबरिंग दिखाई दे रहे होंगे, तो ऐसा आपके पास क्या है वहाँ पर प्रमाण आईडी आ जाएगी, यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड आपका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा नीचे, और आपका रजिस्ट्रेशन जो जिस डेट में वो भी वहाँ पर डेट आ जाएगी, एंड इसका आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ से प्रिंट देके भी निकाल सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्या है सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाएगा दोस्तों।
एंड दोस्तों आई होप मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।